हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के व्रत के लिए कुछ हेल्दी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है आधा कप। इसे मैंने रोस्ट कर लिया है, बिना ऑयल बिना घी के मैंने इसे रोस्ट किया है। आप चाहें तो छिलके वाली भी ले सकते हैं और इसे रोस्ट करके उसके बाद उसके छिलके उतार सकते हैं। मेरे पास ये बिना छिलके वाली थी तो मैंने इसे ही ले लिया है। बहुत तेज आंच पे इसे हम नहीं रोस्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छा कलर आ चुका है, तो अब हम उसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया की पत्तियाँ ली हैं, एक हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लेमन का जूस लिया है, सेंधा नमक लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून दही डाला है। इन सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस कर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी ये सब चटनी लगती है, आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर साबूदाने को सोक कर दिया था। साबूदाना मैंने 1.5 कप लिया है और यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलू हमने मैश कर लिए हैं और साबूदाना को मिक्सी में पीस लिया है। अब इन आलूओं को इस साबूदाने में हम मिला देंगे। थोड़ा सा साबूदाना मैंने बचा लिया था। ये देखिए, जो मूँगफली हमने रखी थी भुनी थी उसे दरदरा पीस लिया है, इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली लिया है, अदरक के टुकड़े लिए हैं, खड़ा जीरा लिया है और धनिया की पत्तियां ली हैं। सभी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे। ग्रीन चिली 2 मैंने ली थी चॉप करके, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कैरेट को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। इसके बाद नमक स्वाद के अनुसार लिया है और जो थोड़े से खड़े हमने साबूदाना रखे थे उसे भी इसमें मिला दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। व्रत में आप इसे बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बन भी जाएगी और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होगी। ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पर अप्पे का पैन लिया है, उसे गैस के ऊपर रखा है और इसमें ब्रश की सहायता से घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसके वड़े भी बना के खा सकते हैं। उसे फ्राई करना होगा और फ्राई चीज़ें व्रत में कम ही खाने को मन करता है, तो क्यों ना हम इसका अप्पे बनाएं। और आप देखिए कितने कम घी में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप व्रत में ऑयल खाते हैं तो आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, कवर कर दिया और एक तरफ से अच्छा सिक जाने देंगे हम। एक तरफ से अच्छा कलर आ चुका है तो मैंने इसे पलट दिया है। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितने कम घी में हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं और ऊपर से पूरे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये बनते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो व्रत में ऐसी रेसिपीज तो हम सब खाना चाहते हैं। बस अब फिर से थोड़ा सा घी हम इसमें डाल देंगे। ब्रश की सहायता से ही मैं डाल रही हूँ, चम्मच भी मैंने नहीं यूज किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा घी भी नहीं जा रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये लग भी रहा है और हेल्दी भी है। चारों तरफ से मैंने इसमें फिर से घी लगा दिया है। अब कवर करके फिर नीचे साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। बस झटपट से ही हमारी रेसिपी बन जाती है, बन गई है। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है। आप इसे आराम से चटनी के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। फिर से मैंने कवर किया है और हल्का कलर और इसमें जब आ गया है तब मैंने इसे निकाल लिया है। दिख रहा है ना बहुत टेस्टी। तो फिर देर किस बात की, इस व्रत में ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।